नहीं, बोलने का अधिकार है। संविधान ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके तहत हमको बोलने का अधिकार है, इसलिए फंडामेंटल राइट से बोलने का, इसलिए हम बोल सकते हैं सर। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी हम अपने अधिकार के लिए, अपने महापुरुष के लिए तो बोलना मेरा राइट है, इसलिए बोलते हैं। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो जो अशिक्षित समाज है वो कहाँ से बोलेगा। इसलिए मानवर साहब एक बहुत बड़े हस्ती है भारत में, जिन्होंने पॉलिटिकल राइट दिया हम लोगों को। पहले हमारे समाज के लोगों को अवेयरनेस नहीं था राजनीति का। अगर वह महापुरुष अगर नहीं होते, क्लास वन सर्विस छोड़कर उन्होंने बाबा साहब को संदेश को आगे बढ़ाया। इसलिए हम लोग का भी फर्ज बनता है, जब काशीराम इस दुनिया से चले गए तो उनको सिद्धांत को, उनके कर्मा को हम लोग आगे बढ़ाए। पूरे देश में हमारे समाज के लोगों के साथ, चाहे नौकरी में हो, चाहे खेती गृहस्थी में हो या राजनीति में हो, सब जगह इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और उसका मूल कारण है हमारे लोगों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति की कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं बिहार की उस पावन धरती पर जहां पर कि आपने देखा है कि इतिहास में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। अगर मैं बात करूं बोध गया से लेकर पाटलिपुत्र तक, या फिर मैं अभी वर्तमान में जिस तरह से जो मुजफ्फर जिला है वहां पर हूं, और यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो ग्रामीण बैंक है उसकी तरफ से, और ये लोग लगातार जय भीम मिशन यात्रा के तहत भी काम कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में लोग आ जाते हैं वो समाज से कट जाते हैं, लेकिन ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके मन में एक पीड़ा है, वो चाहते हैं कि समाज के लिए खुलकर काम करें। और उसी दिशा में जिस तरह से इन्होंने जय भीम मिशन यात्रा के तहत सामाजिक एक क्रांति की शुरुआत की, तो उसी कड़ी में मेरे साथ में जो ग्रामीण बैंक है उसके अध्यक्ष हैं राधेश्याम पासवान जी, उन्हीं से जुड़ना चाहूँगी। सर, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं वो समाज से कट जाते हैं, लेकिन आप लोग लगातार इस फील्ड में काम करते हैं, तो ये मोटिवेशन कैसे मिला? मैम, जो जहाँ है विभिन्न तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, इसी क्रम में कोई अकेला कुछ कर नहीं सकता है, उसी क्रम में यह संगठन की स्थापना की। और इसकी स्थापना 2004 में विधिवत रूप से हुआ था उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जी। और उस समय से लेके अभी तक यह कारवां चल रहा है। हमारा कार्य क्षेत्र 18 जिलों में है, मूलतः 18 जिलों में 14 रीजन है उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, जहां हमारे सारे स्टाफ कार्यरत हैं। हमारे संगठन का नाम उत्तर बिहार क्षेत्रीय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण परिषद है। इसी के तहत जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वही इसके मेंबर बनते हैं, और मासिक जो एक तय राशि है, राशि इसलिए उसको दिया जाता है मैनेजमेंट द्वारा, उसी कंट्रीब्यूशन के आधार पर हमारी शक्ति को समझते हैं और परखते हैं। इसीलिए सारे लोग की सैलरी से ही कट होकर के हमारे संगठन में वो पैसा जाता है। सर, आखिर जरूरत क्या पड़ी इस संगठन का निर्माण करने की? संविधान द्वारा बहुत सारे अधिकार हैं जिसका हनन हर एक कदम कदम पर किया जाता है, उसी की रक्षा के लिए। कोई संविधान प्रदत्त अधिकार से अलग की बात नहीं है,
मैं उसी अधिकार के तहत जो दिया गया है उसकी रक्षा हो सके, रूबरू पालन हो सके, इसी की वजह से यह स्थापना की गई है। मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो जी। इसी कड़ी में मेरे साथ में महासचिव योगेंद्र कुमार जी भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से देश में बहुत सारे तमाम संगठन बने हुए हैं लेकिन आप लोगों ने भी एक संगठन का निर्माण किया, तो ये जानना चाहूंगी जो बैंक से लोन जैसी व्यवस्था होती है या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो जो लोग आते हैं, जो खासकर मैं बहुजन समाज के लोगों की बात करती हूँ, उनकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो एनबी न्यूज को हम अपने संगठन के तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना समय दिया। और जहाँ तक अपने समाज को मजबूत करने की बात है, तो ये हम संगठन के माध्यम से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद के माध्यम से सबसे पहले सहयोग करने वालों को जागरूक कर रहे हैं। जो भी हमारे कर्मी हैं, समाज के प्रति जब जागरूक होंगे तो समाज में हमारे दबे कुचले लोगों को सहायता और किस टाइप का उनको सहयोग कर सकते हैं, वो उनमें जागृति आएगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने कर्मियों को जागृत करने का एक अभियान चला रहा हूँ पूरे उत्तर बिहार के हर क्षेत्र में, हर ज़िले में घूम घूम करके। और आप जैसा कि समझती हैं कि पूरे देश में हमारे समाज के लोगों के साथ, चाहे नौकरी में हो, चाहे खेती गृहस्थी में हो या राजनीति में हो, सब जगह इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और उसका मूल कारण है हमारे लोगों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति की कमी। जैसा कि आप सुने होंगे, माननीय कांसी राम साहब ने कहा था कि राजनीतिक जागरूकता वो मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के सारे ताले खुल सकते हैं। और हमारा संगठन अपने समाज में उसी मास्टर चाबी समाज को देने जा रहा है जागृति के माध्यम से। जो ही हमारा समाज जागृत होगा, नौकरी में हो, शिक्षा में हो, खेती गृहस्थी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सत्ता की बात हो, सब जगह हम अपने अधिकार को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसके लिए आप लोग कैडर लगाते हैं या पर्टिकुलर सिर्फ जो आपका कार्यालय है पाते हैं? ऐसा है कि हम नौकरी करने वाले लोग हैं और जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल वैधानिक सिस्टम के तहत करते हैं। हमारा वैधानिक अधिकार है अपने लोगों को एकत्रित करना, उन्हें जागृत करना और अपने समाज के प्रति जागरूक करना, ये हमारी जवाबदेही है। इसके तहत हम अपने संगठन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं अवकाश के दिन, जिस दिन हमारे कार्यालय आम पब्लिक के लिए नहीं खुले होते हैं, और उस समय का हम भरपूर सब उपयोग करते हैं और अपने लोगों में अपनी सामाजिक जागृति को भरपूर प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कर्मियों के साथ भी भेदभाव होता है नौकरी में भी, तो हम अपने कर्मियों को एकजुट करके उनके व्यक्तिगत संस्थानिक समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारा ये संगठन कार्य करता है जी। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में चीफ गेस्ट में जो कि बाहर से हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। सर, जानना चाहूँगी, आपने यहाँ पर तमाम ऐसी बातें करी, बिल्कुल खुलकर बात करी है, आप समझ रहे होंगे मैं किस दिशा में, तो डर नहीं लगता इस तरह की बातें करते हुए, वो भी खासकर ऐसे मंचों से? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि यह मंच जो बनाया गया है एक्चुअली पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब के माध्यम से जो हम लोगों ने जो कुछ पाया, मेरा फर्ज बनता है यह समाज का कि हम लोग समाज के बीच में जाएं और पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से समाज को भी हेल्प करें। क्योंकि ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, SC/ST बैंक लाइफ वेलफेयर काउंसिल का फॉर्मेशन यही हुआ कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो हम लोग सरकार की जो अर्थव्यवस्था नीति है उसको भी हम लोग जागरूक करें गाँव-गाँव में जाकर, और अपने लोगों को फिनंशियली मदद भी करें, एजुकेट भी करें कि सरकार का क्या नीति है, उसको आप लोग लागू सही रूप से होना चाहिए, और जो सरकार का पॉलिसी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए यह संगठन का हम लोग फॉर्मेशन भी किए। उसके तहत ये 18 जिला में हम लोग घूम कर पूरे नॉर्थ बिहार में इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मोतिहारी में भी यह कार्यक्रम हो रहा है, इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो बाबा साहब का मिशन है, हमारे महापुरुषों का मिशन है, वह सही रूप से अब आगे हम लोग इसको
कार्यान्वयन कर सके। सर, आपने भी मंच के माध्यम से साहब काशीराम जी को लेकर बहुत बड़ी बात कही, इनडायरेक्ट रूप से आपने बोला है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो कहीं ना कहीं जब हम साहब मान्यवर काशीराम जी की बात करते हैं तो एक संदेश भी देना चाहते हैं, तो इस तरह के संदेश, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे होते हुए। नहीं, बोलने का अधिकार है, संविधान ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके तहत हमको बोलने का अधिकार है, इसलिए फंडामेंटल राइट से बोलने का, इसलिए हम बोल सकते हैं सर। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी हम अपने अधिकार के लिए, अपने महापुरुष के लिए तो बोलना मेरा राइट है, इसलिए बोलते हैं। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो जो अशिक्षित समाज है वो कहाँ से बोलेगा। इसलिए मानवर साहब एक बहुत बड़े हस्ती है भारत में, जिन्होंने पॉलिटिकल राइट दिया हम लोगों को। पहले हमारे समाज के लोगों को अवेयरनेस नहीं था राजनीति का। अगर वह महापुरुष अगर नहीं होते, क्लास वन सर्विस छोड़कर उन्होंने बाबा साहब को संदेश को आगे बढ़ाया। इसलिए हम लोग का भी फर्ज बनता है, जब काशीराम इस दुनिया से चले गए तो उनको सिद्धांत को, उनके कर्मा को हम लोग आगे बढ़ावें। इसलिए बहुत सारे लोग मानवर साहब को नाम नहीं जानते हैं कि उनका क्या देन है राजनीति में। इसलिए आज हम इस मंच से मानवर काशीराम को भी हम श्रद्धांजलि भी दिए हैं और उनके कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए चुप हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सारे तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और उन्होंने एक जो यहाँ पर एक संगठन बनाया उसके तहत यहाँ पर आज नियुक्ति भी हुई है कुछ नए पदाधिकारियों की, तो उनके सम्मान समारोह में कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। और कुछ साथी ऐसे भी रहे जिनका मतलब प्रमोशन होकर दूसरी जगह गए हैं, तो उनके सम्मान समारोह में भी कार्यक्रम किया गया। इन सभी लोगों को धन्यवाद देंगे और साधुवाद देंगे और मंगल कामनाएं करेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर ये लोग चले हैं उस उद्देश्य में लगातार सफलता इनको मिले और खुलकर समाज के लिए समर्पित होकर, खासकर राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए काम करें।